दोस्तों आपके अपने चैनल ब्री चाइल्ड जीनियस में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, 2018 का पेपर नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन 2018, तो जो ये राष्ट्रीय आय हमें बता दें परीक्षा का 2018 का पेपर है। तो चलिए आज इसका हम क्या देखेंगे बच्चों, आंसर की, ठीक है। मैट पेपर पर कौन सा है बच्चों, पहला पेपर है मानसिक योग्यता परीक्षण। पहले हम बच्चों रीजनिंग के 1 से 45 क्वेश्चन तक देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसमें जो भी बच्चों आपको पढ़ना है पूरा निर्देश, आप रोक के वीडियो को रोक के आराम से निर्देश को पढ़ सकते हैं, ठीक है। पहला पेपर जो होता है मैट बच्चों मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसमें कितना क्वेश्चन होता है, पूरा 90 क्वेश्चन होता है। 90 इसमें से देखिए क्या क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे 90 में से 45 क्या होता है, मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग होता है, और बच्चों 25 हिंदी होता है, 20 इंग्लिश होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो बच्चों यहीं से देखिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो चलिए पहले हम निर्देश को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए निर्देश क्या दिया गया है, प्रश्न 1 से 3 तक निर्देश, प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रेणी दी गई है जिसमें से एक पद गायब है, जिसे प्रश्न सूचक चिन्ह से दर्शाया गया है। प्रश्न चिन्ह से बच्चों ऐसे दर्शाया गया है, यह पद उस श्रेणी के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक है। आपको 4 विकल्प देना है, चारों विकल्पों में एक क्या है बच्चों, सही है, वह संख्या होगी। तो आपको बताना है चारों में से कौन सी होगी, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, क्वेश्चन 1 देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। एक आपको सीरीज दी गई है 2, 6, 12, 20, तो आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्या कौन सी संख्या होगी, ठीक है बच्चों। सिर्फ इसमें आपको हम सॉल्व नहीं करा रहे हैं, सिर्फ आपको हम उत्तर बता रहे हैं, तो आप इसको सॉल्व करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों। सॉल्व करके आप सॉल्व करिए, आपका आप इसमें बच्चों देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अब वीडियो को रोक के बच्चों सॉल्व करिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे एक एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों क्या दिया है, 41, 21, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है बच्चों, यही बताना है कि कौन सी संख्या यहाँ भरी जाएगी, फिर 17 है, 11 है, 5 है, इसमें कौन सी संख्या होगी बच्चों, आपके कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3, 23 जो है बच्चों इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है बच्चों, 3, 7, 15, 31, 63, अगली संख्या हमको बताना है कि क्या होगी, ठीक है। तो आपको अगली संख्या बतानी है कि इसमें कौन सी संख्या सही होगी, तो चारों ऑप्शन से एक ऑप्शन सही है बच्चों, तो जो ऑप्शन सही है आपको बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों बताइए, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 127, ठीक है। चलिए आगे देखिए निर्देश दिया गया है, तो देखिए बच्चों निर्देश क्या दिया गया है, निर्देश देखिए प्रश्न 4 से 6 तक, इन प्रश्नों के प्रत्येक में कुछ संख्याएं एक श्रेणी क्रम में दी गई हैं जिसमें एक पद अशुद्ध है, यह पद नीचे लिखे गए 4 विकल्पों में से क्या करना है बच्चों, पता करना है, ठीक है। श्रेणी में जो दिया गया है इसमें एक पद क्या है, गलत है, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें गलत है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, 1, 6, 11, 22, 33, 46, 61, आपको बताना है इसमें से कौन सा पद गलत है, जो पद गलत है उसको ही बताना है बच्चों। तो आप इसको हल करिए, हम बता रहे हैं कौन सा बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देखिए 5 क्या दिया गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, 1, 3, 7, 15, 27, 63, 127, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या सही है, तो कौन सी संख्या इसमें बच्चों गलत भरी गई है, तो आपको कौन सी बताइए बच्चों कौन सी संख्या होगी, आपका ऑप्शन नंबर 3, 127 दिया गया है बच्चों, ये यही संख्या क्या है, गलत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है बच्चों, 89, 78, 86, 80, 85, 82, 83 एक श्रेणी दी गई बच्चों, बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या आपकी गलत है, तो बताइए कौन सी संख्या इसमें बच्चों गलत भरी गई है, आप हल करिए। तो देखिए बच्चों इसमें आपकी
ऑप्शन नंबर दो 86 जो दिया गया बच्चों क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, आगे क्या निर्देश दिया गया है बच्चों। देखिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है प्रश्न 7 से 10 तक, प्रत्येक प्रश्न के प्रश्न में 4 समूह हैं, एक समूह शेष 3 समूहों में से किसी दृष्टि से भिन्न है, क्या है, अलग है, इस भिन्न समूह को छांटिए। तो जो भिन्न समूह है उसको क्या करना है बच्चों, आपको छांटना है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, इसमें सिर्फ आंसर बता रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको पूरा एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब इसमें बताइए चारों में से कौन सा भिन्न है। ये बच्चों देखिए जो दिख नहीं रहा है ये क्या है, ये ए है, इसके बाद क्या है बी है, ये क्या है बी है, इसके बाद क्या है बच्चों ई है। ठीक है, तो बताइए चारों में से कौन सा सही है। तो आपका बच्चों चारों में से ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो क्या है, सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया गया बच्चों। देखिए क्वेश्चन 8 दिया गया है, पहला VWXUX, दूसरा क्या है SURT, तीसरा क्या है बच्चों BDAC और चौथा क्या है बच्चों PROQ। तो बताइए इसमें कौन सा भिन्न है बच्चों चारों से। तो इसमें बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, 9 क्या दिया गया है। अब देखिए 9 पहला क्या है बच्चों 87, 73, 79, 83 और 59। ठीक है, तो आपको बताना है चारों में से क्या भिन्न है। तो बताइए बच्चों कौन से चारों में से भिन्न है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 जो 87 है क्या है चारों से भिन्न है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों क्या दिया गया है। आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों क्या दिया गया है, पहला मेघ, दूसरा क्या है वाष्प, तीसरा क्या है बच्चों बारिश और चौथा क्या है बच्चों कोहरा। अब बताइए चारों में क्या भिन्न है। तो बच्चों चारों में से आपका ऑप्शन नंबर 3 भिन्न है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों निर्देश दिया गया है। दिया है बच्चों प्रश्न 11 से 13 में, निम्न प्रश्नों में से एक अच्छा श्रेणी दी गई है जिसमें से एक पद लुप्त है जिसे प्रश्न सूचक से दर्शाया गया है, सही पद के क्रम को उत्तर पत्रक में भरिए। ठीक है, आपको एक श्रेणी दी गई है और ये प्रश्न चिन्ह की जो बना है इसी के अगले बताना है कि अगली श्रेणी जो आएगी कौन सी चारों में से कौन सी सही होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों क्या दिया गया है। देखिए क्या ए XYZ दिया है, CBA दिया है, VUVWFED। तो अगली संख्या आपको बताना है कि अगली सीरीज क्या भरी जाएगी। तो कौन सी सीरीज होगी बच्चों अगली, आपके ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, RST। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों क्या दिया है, ABZ BCY CDX DEW। तो अगली सीरीज बताना है कि कौन सी इसमें से अगली सीरीज होगी। तो बताइए बच्चों कौन सी अगली सीरीज होगी आपका, इसमें बच्चों ऑप्शन नंबर 2 EFV सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों क्या दिया है, AGLPS। तो वहाँ पर बताना है कि अगली संख्या क्या होगी। तो बताइए बच्चों अगली जो अक्षर आएगा कौन सा होगा, बताइए कौन सा होगा बच्चों, यू आपका चौथा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों निर्देश दिया गया है। यहाँ पे बच्चों देखिए क्या दिया गया है, प्रश्न 14 से 16 तक, प्रत्येक प्रश्न में वृत्त दिए गए हैं, उनके अंदर बाहर शेष नियम द्वारा विशेष नियम द्वारा कुछ संख्याएं दी गई हैं, प्रत्येक प्रश्न में एक वृत्त के अंदर चिन्ह दिया गया है, उस रिक्त स्थान को भरने के लिए सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो चलिए देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, आपको बताना है इसमें देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर वृत्त बना है, देखिए कुछ नियम लगा के यहाँ पे चारों संख्याओं को पूछ करके 8 आया है, यहाँ पे भी बच्चों चारों संख्याओं से यूज करके क्या आया है, 9 आया है। तो इन चारों संख्याओं को यूज करके क्या किया जाए कि बच्चों यहाँ पे अगली संख्या जैसे इन दोनों में जो नियम लगा है वही नियम इसमें भी लगेगा, सेम नियम। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा नियम इसमें लगा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा 10, यहाँ पर क्या बोला जाएगा बच्चों 10। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर
15 देखिए बच्चों क्या दिया गया है। क्वेश्चन 15 देखिए बच्चों, वही विशेष नियम लगा के इन संख्याओं को यूज करके 14 किया गया है। इन संख्याओं से यूज करके कितना आया, 30 आया। तो इन संख्याओं को यूज करके बताइए बच्चों क्या यहाँ भरा जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए हल करके बताइए क्या होगा बच्चों। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है 46 भरा जाएगा। ठीक है, तीसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों क्या दिया गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16-15 हो गया। तो देखिए बच्चों, इसमें जो नियम लगा है वही नियम इसमें भी लगा है, जो नियम दोनों में लगा है वही नियम इसमें आपको लगाना है। तो बताइए कौन सा चारों में से सही हो जाएगा बच्चों, 24 होगा, 26 होगा, 28 होगा कि 22 होगा। तो इसमें बच्चों देखिए कौन सा नियम होगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 26। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे निर्देश क्या दिया गया है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई अक्षर श्रेणियों में कुछ अक्षर गायब हैं। क्या बच्चों, गायब हैं अक्षर। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कुछ अक्षर गायब हैं। तो जो गायब अक्षर हैं तो वही बच्चों आपको वही क्या करना है, बताना है कि कौन सा अक्षर गायब है। ठीक है, तो देखिए बच्चों चार विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प को क्रम में विकल्प चुनिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, ए डैश बी ए डैश फिर बी बी डैश ए बी डैश ए बी फिर डैश ए, आपको बताना है कि क्या क्या इसमें भरा जाएगा। तो इन सब में बच्चों सबको यही नियम होता है कि इसमें देखिए कौन सी सीरीज जो बार बार रिपीट करेगी वही आपका उसमें क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो बताइए बच्चों 17 में कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। तो बच्चों देखिए 17 में आपका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ए जो बी ए ए बी। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, रिक्त स्थान दिया गया है, फिर बी फिर रिक्त स्थान ए बी फिर रिक्त स्थान खाली है बच्चों सी बी फिर खाली है ए ए फिर खाली है सी। तो आपको बताना है चारों में से कौन से इसमें भरा जाएगा, कौन सी सीरीज बनेगी। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों आपका इसमें, ऑप्शन नंबर तीसरा सी ए सी ए बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। अब 19 देखिए बच्चों क्या दिया है, ए बी खाली स्थान बी सी खाली स्थान सी खाली स्थान बी ए खाली स्थान सी। तो बताइए इसमें बच्चों कौन सी संख्या सीरीज रिपीट करेगी। ठीक है, तो इसमें बताना है देखिए बच्चों चारों में से कौन सी सीरीज आपको सही हो जाएगी। तो आपका बच्चों ऑप्शन नंबर जो 2 है सी ए ए बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए देखिए बच्चों फिर निर्देश दिया गया है, आप निर्देश को पढ़िए देखिए क्या दिया गया है निर्देश। प्रश्न कहाँ से कहाँ तक बच्चों निर्देश दिया गया है, 20 से 22 तक। ठीक है, देखिए यहाँ दिया है प्रश्न 20 से 22 तक वर्ग के 9 खंडों में एक खंड खाली छोड़ा गया है तथा शेष खंडों में संख्या लिखी गई है जो एक विशिष्ट नियम का पालन करती है, उस नियम को ज्ञात कर खंड के उचित विकल्प चुनिए। ठीक है बच्चों, एक देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जैसे दिया गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि मतलब एक 9 क्या दिया गया है बच्चों, बॉक्स छोटा छोटा दिया गया है, उसमें कोई नियम लगा के जैसे ऐसे भी लिख सकता है, इस तरह से भी लिख सकता है, जो भी नियम लगा है उसी नियम से इसको जो प्रश्न चिन्ह है उसको भरना होता है। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सी संख्या सही होगी बच्चों, 29 होगी कि 31 होगी कि 28 होगी 30। तो आप हल करके बताइए कौन सी संख्या सही होगी बच्चों, आप वीडियो को रोक के हल करिए और बताइए कौन सी संख्या इसमें सही होगी। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका 29 प्रश्न जो एक है इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, 29 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन 21 देखिए, वही ऊपर वाला जो क्वेश्चन था सेम बच्चों यहाँ भी बताना है कि कौन सी संख्या यहाँ पे भरी जाएगी। तो चार ऑप्शन है बच्चों 25, 23, 21 और 29। तो आपको बताना है बच्चों कौन सी संख्या इसमें सही होगी। ठीक है, तो वीडियो को रोक के बच्चों हल करिए, बताइए फिर कौन सी संख्या सही होगी, चौथा 19 क्या भरा जाएगा बच्चों यहाँ पे 19। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया है, उसमें भी बच्चों देखिए यहाँ पे प्रश्न चिन्ह छोड़ा गया है, चाहे ऐसे नियम लग रहा हो चाहे ऐसे, जो नियम लग रहा हो वही नियम लगा के यहाँ पे भरना है। ठीक है बच्चों, तो बताइए यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर
दूसरा जो है 6 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखिए, प्रश्न संख्या क्या दिया गया बच्चों यहाँ पे, देखिए यहाँ बच्चों प्रश्न संख्या कहाँ से 23 से 24 तक पासा में दी गई चित्र को आधारित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। तो पासा दिया गया बच्चों, आपको बताना कि कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बच्चों क्या दिया गया है। देखिए बच्चों क्वेश्चन 4 पासा, 1, 2, 3, 4 पासा दिया गया है। अब बच्चों इसमें बताना है कि कौन सा नियम, बच्चों 2 पासा आपको बताया गया पिछले वीडियो में, मानक पासा और सामान्य पासा। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसमें कौन सा ऑप्शन, कौन सा, अब इसको हल करिए बच्चों, वीडियो को रोक के इसको हल करिए, आपको बताइए मानक पासा है कि सामान्य पासा है। और उसके बाद चारों में से देखिए बच्चों कौन सा इसमें पूछ रहा है कि अंक 4 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी, 4 के जो है 4 के विपरीत पूछ रहा है कौन सी संख्या आएगी। तो बताइए बच्चों 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, आपका ऑप्शन नंबर 1 जो 1 है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बच्चों, 24 देखिए बच्चों क्या दिया गया है। 4 पासा इसमें भी दिया गया है, पूछ रहा है कि अंक 3 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। तो 3 के विपरीत हमको बताना है कि बच्चों कौन सी संख्या होगी, तो उसको आप हल करिए और बताइए कौन सी संख्या होगी 3 के विपरीत। 4 ऑप्शन दिया गया बच्चों, 1, 5, 4 और 6, तो इसमें कौन सी संख्या होगी बच्चों 1 के विपरीत, इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो जाएगा सही हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर मतलब 3 जो 4 दिया गया है वो सही हो जाएगा, 3 के विपरीत क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया गया है। यदि सेठी के पुत्र का पुत्र अजीत का भाई है तो अजीत सेठी का क्या लगता है। तो बच्चों रक्त संबंध है, अब आप इस वीडियो को लगाइए, इस क्वेश्चन को लगाइए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें बच्चों देखिए आपका ऑप्शन नंबर 4 जो पोता है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बच्चों क्या दिया गया है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, निम्नलिखित अंक श्रेणी में 1 में ऐसे कितने साथ जिसके ठीक पहले 4 है परंतु ठीक बाद में 2 नहीं है। तो पूछ रहा है कि ऐसे कितने साथ हैं जिसके ठीक पहले क्या है 4 हो लेकिन 2 बाद में ना हो, जहां 2 रहेगा उसको नहीं गिनना है। तो गिन के बताइए बच्चों आप कितने सार हैं ऐसे। ठीक है, तो अपने देखिए बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 4 हैं सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बच्चों क्या दिया गया है। दक्षिणपुर की ओर मुंह करके मोहन खड़ा है, दक्षिणपुर की ओर मुंह करके खड़ा है बच्चों, सोहन 15 मीटर चला और वहां से उत्तर की तरफ घूमा तथा 12 मीटर और चला, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कितनी दूर पर है। तो पूछ रहा है बच्चों वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर पर पहुंचा है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है, कितना दिया है बच्चों 12, 15 मीटर, 12 मीटर, 10 मीटर, 9 मीटर और 5 मीटर। तो बच्चों बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है 9 मीटर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बच्चों, निर्देश दिया गया है 28 में, निर्देश क्या बच्चों, प्रश्न 28 और 29 में दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो आपको जो विकल्प दिया गया है उसमें लुप्त पद को क्या करना बच्चों ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है। 8:27 समानुपाते, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगाया है 64, तो हमको यहाँ बताना है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो उसमें देखिए बच्चों 4 ऑप्शन दिया है, 24, 25, 27 और 28। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या कौन सा भरा जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 सी क्या होगा, जो तीसरा है बच्चों 27 ही सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 29 देखिए बच्चों क्या दिया गया है। देखिए बच्चों क्या दिया है, 42:56 समानुपाते, 110:10 यहाँ पे क्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, 132 होगा कि 136, 144 की 148, चारों में से आपको बताना है कि कौन सी संख्या इसमें सही होगी। तो बताइए बच्चों कौन सी संख्या सही होगी, इसमें आपका 132 पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों को निर्देश दिया गया है, नहीं बच्चों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 दिए गए चित्र त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, जो चित्र आकृति दी गई है बच्चों इसमें बताना है कि कितने त्रिभुज होंगे। ठीक है, तो आप बच्चों इसको काउंट करिए कितने त्रिभुज होते हैं। तो इसमें बच्चों देखिए कितने त्रिभुज हैं, आपका ऑप्शन नंबर जो 14 है 24 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर
निर्देश देखिए बच्चों दिया गया है, निर्देश पढ़िए उसके बाद क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए निर्देश क्या दिया गया है बच्चों। देखिए बच्चों प्रश्न के 31 से 34 तक दिए गए इस सारणी में स्तंभ एक, देखिए एक स्तंभ है तथा स्तंभ दो, स्तंभ एक में लिखे गए अंग्रेजी के बड़े अक्षर, इसमें बड़े अक्षर है बच्चों, स्तंभ दो में संकेत करके लिखा गया है, परंतु यह उसी क्रम में नहीं है जिस क्रम में स्तंभ एक में लिखा गया, मतलब ये जो दूसरा है स्तंभ इसमें एक क्रम में नहीं है। स्तंभ एक तथा स्तंभ के साथ गहनता से अध्ययन करिए और पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों दोनों स्तंभों को आपको अच्छे से देख लेना है, स्तंभ एक और स्तंभ दो को, और इसके बाद नीचे क्वेश्चन दिया गया उसको हल करना है, ठीक है। चलिए देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या दिया गया बच्चों। ई का सांकेतिक अक्षर पूछ रहा है, कोड लेटर ऑफ ई इज है, ए है कि वाई है कि बी है कि डब्ल्यू। तो इसमें बच्चों आप दोनों को दोनों जो स्तंभ है कॉलम दिया गया है उसको बढ़िया से अध्ययन करके उसके बाद इन चारों क्वेश्चन को हल करिए। तो आप बताइए बच्चों 31 में कौन सा ई का संकेत अक्षर कौन सा होगा, इसमें आपका बच्चों ऑप्शन नंबर दो जो है वाई होगा, ई का स्तंभ कोड जो होगा बच्चों क्या होगा वाई, तो दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया गया है, ए का सांकेतिक अक्षर होगा, ए का सांकेतिक द कोड ऑफ लेटर ऑफ इज ए होगा, क्या होगा पी होगा कि यू होगा कि एच होगा कि जी, इसमें आपको बताना है कि बच्चों ए का संकेत क्या होगा, तो बताइए बच्चों ए का संकेत क्या होगा, इसमें बच्चों आपका ऑप्शन नंबर चौथा जो है जी होगा, ए का संकेत अक्षर जी होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए बच्चों, यश का संकेत अक्षर क्या होगा, तो यश का संकेत अक्षर क्या होगा बच्चों, तो आप बताइए बच्चों यश का संकेत अक्षर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक यच। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बच्चों क्या दिया है, आर का संकेतिक अक्षर क्या होगा, आर का बच्चों बताइए संकेतिक अक्षर क्या होगा, क्यू होगा कि एम होगा कि ए होगा कि एल, तो आप बताइए कौन सा होगा बच्चों, इसमें आर का ए हो जाएगा, जो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं निर्देश दिया गया बच्चों, निर्देश देखिए क्या दिया गया है इसमें आपका, देखिए क्या दिया गया है प्रश्न 35-36 में, निम्नलिखित प्रश्नों के में पद अक्षर शब्द चित्र के प्रतिबिंब दर्पण में दृष्टांकन करना है, दर्पण की स्थिति दी गई है, मतलब दर्पण जो मतलब इस साइड रखा गया है कि ऐसे रखे गए और दिया गया है, दिए गए विकल्पों में सही प्रतिबिंब चुनिए, तो आपको प्रतिबिंब उसका दिखना है कि कैसा प्रतिबिंब होगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 देखिए यही दिया गया है, तो आपको इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। देखिए 35 दिया गया बच्चों क्या लिखा है, स्टॉक एस टी आर ओ स्टॉक लिखा है, तो एस टी आर ओ के ई, तो इसका मिरर इमेज पूछ रहा है, मिरर देखिए ऐसे मिरर लगाया है तो पूछ रहा है कि इसका इमेज कैसे बनेगा, तो बताइए चार ऑप्शन दिए गए बच्चों, चारों में से कौन सा इसमें सही होगा, तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा बच्चों, आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा सही हो जाएगा चौथा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए बच्चों 36 में क्या है, घड़ी दी गई है, इसका इधर मिरर लगाया गया है ऐसे, तो पूछ रहा है कि ये जो इसकी आकृति बनेगी वो चारों में से कौन सी आकृति होगी, तो बताइए बच्चों चारों में से इसमें कौन सी आकृति होगी, तो बच्चों इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर चार जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या दिया गया, 37 से 39 तक निर्देश दिया गया है, निम्न प्रश्नों में से प्रत्येक के चार चार चित्र दिए गए हैं, इसमें से एक चित्र अन्य से मेल नहीं खाता है, मतलब क्या है तीन से अलग है, उस चित्र का सही क्रम मेल नहीं खाता है, उस चित्र का सही क्रमांक बताइए, इसमें से बताना है कि चारों में से कौन सा होगा, तो चलिए देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 37, तो चारों चित्रों को देखिए बच्चों, चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं आप बताइए चारों में से कौन सा सही होगा, बताइए बच्चों कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर दो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर दो और दो आपका सही होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया गया है, इसमें भी चार दिए गए हैं, एक दो तीन चार, बताना है कि चारों में से क्या भिन्न है, तो बताइए बच्चों क्या भिन्न है चारों में से, तो इसमें बच्चों देखिए आपके चारों में से ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो क्या है चारों से भिन्न है, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 अब देखिए बच्चों, इसमें बताना है चारों में से क्या भिन्न है,
इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर चार जो है उच्चारों में भिन्न है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निर्देश दिया गया बच्चों 40 से 42 तक, क्या निर्देश है? प्रश्न 40 42 में निर्देश, चित्रों के दो समूह दिए गए हैं, एक समूह प्रश्न चित्र तथा दूसरा उत्तर चित्र का है। उस चित्र को किसी एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करना है जो प्रश्न चित्र के क्रमानुसार अपने जोड़ा ना सके। चयनित उत्तर चित्र को सही क्रमांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए क्या दिया गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा। ठीक है, देखिए पहले ऐसे था, फिर इस चित्र को ऐसे किया गया, फिर ऐसे किया गया, फिर ऐसे, तो आपको अगली पूछ रहा है अगला चित्र जो होगा कैसे बनेगा, तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों आपका इसमें ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 40 हो गया बच्चों, 41 देखिए। इसमें देखिए पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, इसको फिर ऐसे किया गया, फिर ऐसे, फिर अगली संख्या अगली बार बताना है कि किस आकृति का होगा। इसमें भी बताइए बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया गया है। पहली आकृति ऐसी थी, फिर ऐसी हुई, फिर आकृति ऐसी हुई, फिर ऐसी हुई, तो अगली आकृति कैसी होगी? तो बताइए बच्चों अगली आकृति कौन सी होगी इसमें। इसमें बच्चों अगली आकृति आपकी ऑप्शन नंबर जो है कौन सी होगी बच्चों, आपकी ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा देखिए निर्देश है, क्या दिया गया है निर्देश। प्रश्न 43 और 45 में निर्देश क्या, निम्नलिखित प्रश्नों में से क्या दिया गया है कि बाईं ओर दी गई दो आकृतियां में कुछ संबंध है, वही संबंध दाहिनी ओर के दो पदों में हैं, जिसमें एक पद क्या है लुप्त है। दिए गए विकल्प में से उसका लुप्त पद का ज्ञात करना है। ठीक है, सामान्य पात्र को बताना है बच्चों, जैसे दोनों अनुपात में होता है वैसे अगले में आपको बताना है कि क्या होगा। 43 वाला देखिए बच्चों क्या दिया गया है, पहले ऐसी आकृति थी समान, फिर ऐसी वाली ऐसी आकृति हो गई, तो इस वाले समान पात्र दिया बच्चों, इस आकृति को किस रूप में किया जाएगा इसी के हिसाब से। तो इसमें बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44। देखिए बच्चों 44 में क्या दिया गया है, इस आकृति को इस रूप में किया गया है, तो इस वाली आकृति को किस रूप में किया जाएगा, चारों में से बताना है बच्चों कौन से किस रूप में होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, दूसरा जो है बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 45 वाला बच्चों। तो यहाँ देखिए बच्चों 45 जो दिया गया है, इसमें देखिए इस आकृति को इस रूप में किया गया है और पूछ रहा है समानुपात के हिसाब से इस आकृति को किस रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बच्चों देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर चौथा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग के बच्चों ये क्वेश्चन समाप्त हुए, नेक्स्ट अगले वीडियो में किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।